वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान पेशावर में इंतकाल कर गए। आज़म खान को गुज़िश्ता रोज़ तबीयत नासाज होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तर्जमान अस्पताल के मुताबिक आज़म खान मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला थे। आज़म खान की मैयत चारसदा में हवाई घर मुंतकिल, नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी बहरान। आज़म खान के इंतकाल से सूबाई काबीना तहलील न्यूज़ वन से गुफ्तगू में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा, नए वज़ीर आला के लिए सेनेट में कायद एवान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ को एक हफ्ते में किसी एक नाम पर इतफाक़ करना होगा, फिर छः रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी फैसला करेगी, अगर कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुँची तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन का नए वज़ीर आला के पी के तकरीरी के लिए इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगी। निगरान वज़ीर आला का तकरीर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जाने का इम्कान। असद उमर ने सियासत को खैराबाद कह दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। आम इंतखाबात के लिए नई सबबंदियां। मुस्लिम लीग नून का दो रुकनी वफ्द आज शाम कराची पहुंचेगा। ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग फंक्शनल के कायद पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर बात होगी। वफ्द कल शाम एम के एम रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, हंगामी नौयत के केस भी समाप्त के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी। कहा, चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी के बायस दरख्वास्त गुजार को हिफाजत नहीं मिल पाती, मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 रोज से आटा, दालें और चावल गायब। शहरी बाजार से महंगी अशिया जरूरी खरीदने पर मजबूर। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 10 नवंबर को 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 1175 मर्द, 848 खवातीन और 1582 बच्चे शामिल हैं। अब तक 2,14,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। गैर कानूनी तारकीन ने वतन को निकालने पर आवाम की जानिब से खैर मकदम कहते हैं, हुकूमत को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। इस इकदाम से पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होगी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे अफगान बाशिंदों का हाथ है। सीटीडी पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन कल अदम। टीटीपी के आम कमांडर नदीम समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, बारूदी मवाद, डेटोनेटर और असलाह बरामद। मेलसी में बेकाबू कार नहर में जा गिरी, 5 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने गाड़ी निकाल ली, नौजवानों की तलाश जारी है। स्वात के दूर दराज इलाकों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 फौज के इकदाम। पीयूचार में खवातीन के लिए स्किल सेंटर कायम, 30 खवातीन रजिस्टर्ड। सेंटर में सिलाई मशीनें और जरूरी सामान फराहम किया गया। खवातीन कहती हैं सेंटर रोजगार बेहतर बनाने के मौके फराहम करेगा। और थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। जैन महमूद की पहली पोजीशन, मुकर्रा फासला 1:46 में तय किया। फैसल शादी खैल की दूसरी और नादिर मकसी की तीसरी पोजीशन। इवेंट पर सकाफती प्रोग्राम और इलाकाई रक्स पेश किया गया।